आसाम के कांग्रेस उम्मीदवार रकीब हुसैन को मुल्क में सबसे ज्यादा अक्सरियत हासिल करने का एहसास, 10 लाख से ज्यादा वोटों से मौलाना बदरुद्दीन अजमल को दी शिकस्त। आसाम के धोबरी से कांग्रेस के उम्मीदवार रकीब हुसैन ने 10 लाख 12 हजार वोटों की रिकॉर्ड अक्सरियत हासिल की। उन्होंने ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार व मौजूद रुकने पार्लियामेंट मौलाना मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल को भारी वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। कांग्रेस उम्मीदवार रकीब हुसैन इस मर्तबा के लोकसभा इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोटों की अक्सरियत हासिल करने वाले उम्मीदवार बन गए हैं। उन्होंने मजमुई तौर पर 14,71,885 वोट हासिल किए, जबकि उनके हरीफ उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल को 4,59,509 वोट मिले। NDA इतिहाद ने 293 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली है, जिनमें BJP तन्हा तौर पर 240 सीटों पर जीत हासिल की है। इंडिया ब्लॉक 223 सीटों पर कामयाब हुई है, इसमें कांग्रेस के 99 सीट शामिल है। दीगर 17 सीटों पर दोनों इतिहाद में शामिल न रहने वाली जमातें और आजाद उम्मीदवार शामिल हैं। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें शमा न्यूज के साथ।